हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने राव शेखा को पढ़ा और आज अपन पढ़ेंगे हमीर देव चौहान। तो हम जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ में और राजपूत राजाओं या देसी राजाओं का जो प्रतिरोध की जो गतिविधियाँ हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं। इनमें पहले पढ़ा राव शेखा को और पढ़ रहे हैं हमीर देव चौहान को। तो हमीरदेव चौहान है वो 1282 से लेकर के 1301 तक और रणथंबोर का शासक रहा है, राजस्थान में रणथंबोर का शासक रहा है। तो आज इसके बारे में कुछ जानकारी करें। हमीरदेव का जो पिता था जेतर सिंह, तो इस जेतर सिंह के द्वारा अपने जीवन काल में, मतलब अपने जीवित रहते हुए ही, और हमीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जबकि हमीर है वो जेतर सिंह का छोटा पुत्र था, लेकिन एक ये योग्य था और योग्यता के आधार पर उस जेतर सिंह ने क्या किया, हमीरदेव चौहान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1282 में इसका राज्यारोहण कर दिया गया और इसे शासक नियुक्त कर दिया गया। तो इसका राज्यारोहण कब हुआ, 1282 में। अब 1282 में इसका राज्यारोहण होने के बाद में और हमीरदेव चौहान के द्वारा अपनी गतिविधियों को शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत हमीर है सिंहासन पर बैठते ही और इसके द्वारा दिग्विजय में मतलब बड़ी विजय की नीति का अनुसरण किया गया था। और अब दिग्विजय करते हुए और छोटे प्रदेशों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग गया, जिसके अंतर्गत इसने दक्षिण के परमार शासकों को पराजित किया और उत्तर की ओर आक्रमण करते हुए चित्तौड़, आबू, पुष्कर, चंपा होते हुए और वह रणथंबोर पहुंचता है। मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र को भी विजित करता है और फिर उत्तर वाले क्षेत्र के अंतर्गत विजय अभियान या अपने दिग्विजय को संचालित करते हुए चित्तौड़, आबू है, पुष्कर है, चंपा है और इन प्रदेशों को जीतता हुआ और इनसे होता हुआ और कहाँ पहुँचता है, रणथंबोर पहुँचता है। और यहाँ पहुँच करके इन्होंने अपनी जो दिग्विजय थी और बड़ी बड़ी जो विजय की थी, उस विजय के उपलक्ष्य में एक यज्ञ किया था। इसका नाम है कोटियजन यज्ञ। कौन सा यज्ञ है, कोटियजन यज्ञ। तो कोटियजन यज्ञ कब किया गया था, जब वह अपने दिग्विजय को संपूर्ण करके वापस लौटा, कहाँ लौटा, रणथंबोर, और रणथंबोर लौट करके इसके द्वारा एक यज्ञ किया गया था जिसे कहते हैं कोटियजन यज्ञ। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे और 17 में वह 16 में विजयी रहा था। मतलब अंतिम जो युद्ध था वो उसी के अंदर वो पराजित हुआ था। इससे पहले वह अविजित था, किसी भी शासक से उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। अब ये तो इसका था विजय अभियान, लेकिन इधर जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली के ऊपर जो शासक थे, जो खिलजी वंश का शासन था, तो ये जो खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी, वह भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता था। साथ ही साथ ही हमीरदेव चौहान है वो भी अपनी शक्तियों को बढ़ा करके अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। तो इसीलिए हमीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके और जलालुद्दीन खिलजी है वो अत्यधिक चिंतित होता है कि अगर हमीरदेव इस प्रकार अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहा तो वो एक दिन दिल्ली तक पहुँच जाएगा। तो दिल्ली का जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, इसने हमीर की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके और क्या किया कि इसकी शक्ति को रोकने के लिए रणथंबोर की ओर इसने क्या कर लिया, प्रस्थान किया कि जैसे तैसे हो और हमीर की शक्ति को दबाया जाए। तो इसे दबाने के लिए क्या किया गया, इसके द्वारा रणथंबोर की तरफ कूच किया गया। तो खिलजी ने जब झाइन, ये एक किला है झाइन, झाइन का किला, इसका आगे भी नाम आएगा, इस झाइन के किले को रणथंबोर की कुंजी भी कहा जाता है। यानी रणथंबोर के अंदर अपने को विजय प्राप्त करनी है, रणथंबोर को अपने अधिकार में करना है, तो पहले झाइन के किले को विजित करना पड़ेगा। तो झाइन और रणथंबोर के किलों की घेराबंदी शुरू कर दी। अब घेरा डाल दिया गया चारों तरफ और घेरा डाल करके वहाँ पर बैठ गए, लेकिन इनकी सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि इस सुरक्षा को देखते हुए और लंबे समय तक जो घेराबंदी चली और लंबे समय तक घेराबंदी करने के बाद भी और जलालुद्दीन खिलजी की सेना किसी भी प्रकार से इन किलों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने में असफल रही, तो
जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा लंबे दिनों तक चले घेरे के कारण और अंत में इसने ये निर्णय लिया कि यहाँ से घेराबंदी हटा ली जाए। तो एक सुदृढ़ सुरक्षा को देख करके और काफ़ी दिनों तक जो घेराबंदी चली और बाद में खिलजी ने क्या किया, किलों से जो घेराबंदी है वो हटा ली। क्यों हटा ली? क्योंकि उसे कहीं भी सफलता है वो नज़र नहीं आ रही थी। और 1291 में वह घेराबंदी हटा करके वापस कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। अब ये तो प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसकी शक्ति को दबाने के लिए? हमीरदेव चौहान की शक्ति को दबाने के लिए। अब आगे क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका एक भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो बात आती है 1296 की। तो 1296 में क्या हुआ कि जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, ये भतीजा भी था साथ ही साथ इसका दामाद भी था, तो इसने क्या किया धोखे से और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। मतलब धोखा किया इसके साथ और धोखा करके और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और हत्या करके और ये स्वयं क्या हुआ दिल्ली का शासक बन बैठा, यानी दिल्ली की राजगद्दी को इसने अपने अधिकार में कर लिया। अब बात वही आती है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठा तो इसे हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति फिर से नज़र आई और ये भी चाहता था कि मैं भी अलाउद्दीन खिलजी के इसके हमीरदेव चौहान की जो शक्ति है उसको दबाने का प्रयास करूं और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करूं और साथ ही साथ अपने साम्राज्य की सुरक्षा को भी बढ़ाऊं। तो इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर पाया और सहन नहीं कर पाया तो इसके लिए क्या किया गया, इसके द्वारा रणथंभौर की विजय की योजना बनाई गई कि जैसे तैसे अपन रणथंभौर को विजय करें और हमीरदेव चौहान की शक्ति को वहाँ से नष्ट किया जाए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक दिन घातक सिद्ध होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर विजय की जो योजना बनाई जाती है इसके अंतर्गत कहा जाता है कि हमीरदेव के द्वारा जो हमीर महाकाव्य रचा गया था तो इस हमीर महाकाव्य के अनुसार ये अपने को ज्ञात होता है कि अब दो राजा हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई विरोध की भावना होनी चाहिए। तो इस हमीरदेव महाकाव्य के अंतर्गत अपने को एक बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक बागी व्यक्ति था जो पहले अलाउद्दीन खिलजी के पास था लेकिन उसने विरोध किया और वो बागी हो गया। बागी होकर के और कहाँ आ जाता है, हमीरदेव चौहान के पास आ जाता है। कौन है? मंगोल शासक मोहम्मद शाह। अब ये मंगोल शासक मोहम्मद शाह है वो अलाउद्दीन खिलजी से बागी हो गया और बागी होकर के किसकी शरण में आ गया, हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया। और ये बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमीर महाकाव्य के आधार पर मिलती है। तो जब मोहम्मद शाह इसकी शरण में आया तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मोहम्मद शाह को हमीर से मांगा कि ये मेरा जो बागी है या इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है तो मैं इसको दंडित करूँगा और आप इसे मुझे वापस दे दो। तो इस प्रकार की जब गतिविधि हुई तो हमीर ने क्या किया, इसे लौटाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं नहीं लौटाऊँगा। क्यों नहीं लौटाऊँगा कि राजपूतों की एक विशेष गतिविधि होती थी जिसके अंतर्गत कहा जाता था कि इसके शरण में आने वाले जो इसके शरण में आते थे वो उनकी जो प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा देते थे। तो ये शरणार्थी बनकर आया किसके पास, हमीरदेव चौहान के पास। किसका बागी था, अलाउद्दीन खिलजी का। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे वापस मांगने के लिए कहा तो हमीरदेव चौहान के द्वारा उसे मना कर दिया गया और मना करने के बाद में और इस बात के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को क्या होता है, हमीरदेव चौहान पर क्रोध आता है। अब अलाउद्दीन ने अपनी सेना के साथ क्या किया, जैसे ही क्रोधित हुआ और मना किया तो इसने अपनी सेना को एकत्रित किया और अपनी सेना को एकत्रित करके और वह रणथंभौर के ऊपर विजय के लिए या आक्रमण करने के लिए चल देता है कि इसने मेरे जो बागी है उसको शरण दी है और उसे वापिस भी नहीं कर रहा है तो अब हम इसको दंडित करेंगे। किसको करेंगे, हमीरदेव चौहान को करेंगे। बात आती है 1299 की।
तो 1299 में जब खिलजी ने अपने दो सेनापति थे उलुंग खां और नुसरत खां, ये विशेष नाम है, ये याद भी रखने जरूरी हैं, उलुंग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अपनी जो सेना तैयार करके रणथंभौर विजय के लिए भेजी गई। तो ये सेना जब रणथंभौर के पास जाती है तो रणथंभौर की कुंजी कही जाने वाली जो जैन का किला है, यह बात पहले भी बात आई थी कि रणथंभौर की कुंजी कही जाने वाली जैन के किले पर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? खिलजी की सेना ने कर दिया, जो किसके नेतृत्व में काम कर रही है, उलुंग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में काम कर रही है। इधर अपन ने बात की थी पहले कि हमीरदेव चौहान के द्वारा अपने दिग्विजय के बाद में और कोटीय जन यज्ञ का जो आयोजन किया गया था, उस कोटीय जन यज्ञ की संपन्न के बाद में और हमीरदेव चौहान में वो मौन व्रत धारण कर लेता है। क्या धारण कर लेता है? मौन व्रत। और मौन व्रत धारण करने के कारण इसने क्या किया, अपने दो सेनापतियों को और दो सैनिक थे प्रमुख, उन दोनों को ही इस खिलजी की सेना से प्रतिरोध करने के लिए वहाँ से भेजा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख आते हैं, एक तो भीम सिंह है और एक धर्म सिंह है। तो इस युद्ध के अंतर्गत खिलजी की तरफ से दो जो लड़े सेनापति वो उलुंग खां और नुसरत खां थे, और इधर से लड़ने वाले थे वो भीम सिंह और धर्म सिंह है। तो दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और इनमें घमासान युद्ध होता है, और इन दोनों घमासान युद्ध हुआ तो इन दोनों जो वीर योद्धा थे भीम सिंह और धर्म सिंह, इन्होंने बड़ी वीरता के साथ में युद्ध किया और युद्ध करते हुए अलाउद्दीन की जो सेना थी उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी यहाँ पर इस युद्ध के अंतर्गत पराजय किसकी होती है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना की पराजय होती है। अब क्या घटना घटित होती है कि जब धर्म सिंह और भीम सिंह विजयी हो जाते हैं, और विजयी होने के बाद में जो लूट की गई थी, मतलब जो भी राज युद्ध में जीतते थे वो फिर उसकी सेना के में अंदर लूटपाट करते थे, और लूटा हुआ सामान है वो आप वहाँ से अपने राज्य के अंदर लेकर के आते थे, जिसमें पिछले अपने एक पढ़ा था खम्स कर, तो वो खम्स है, वो राशि लूट की जो सामान होता है उसी को अपन खम्स कहते हैं। तो लूट का सामान लेकर के रणथंभौर वापस आ रहे थे। कौन आ रहे थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। तो रणथंभौर के निकट पहुँचे तो उन्हें एक सूचना मिली कि जो शत्रु सेना है या जो खिलजी की सेना है वो वापस है, वो रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए लौट रही है। और इस बात का पता जब भीम सिंह और धर्म सिंह को पता चला तो भीम सिंह ने क्या किया कि धर्म सिंह को तो रणथंभौर के लिए भेज दिया गया। कि भीम सिंह कहता है कि धर्म सिंह से कि आप तो रणथंभौर जाओ, और इसे रणथंभौर भेज करके और भीम सिंह स्वयं है वो शत्रु सेना के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि उलुंग खां ने राजपूत सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया, यानी इतना तेज आक्रमण किया कि इस बार है वो पराजय किसकी होती है? राजपूत सेना की होती है। और इस युद्ध के अंतर्गत भीम सिंह है वो युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। तो कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। और उलुंग खां है वो विजय होकर के और रणथंभौर की तरफ न लौट कर और वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है।